फरीदकोट च गौ तस्करी का मामला सामने आया है, जिस संबंध में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके 4 लोगों को मौके तो गिरफ्तार भी किया है, जबकि 3 फरार हुए हैं। इस मौके गऊ रक्षक दल के मैंबरों ने मांग की है कि गऊं की तस्करी करने वाले खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए है। इस सारे मामले संबंधी DSP शमशेर सिंह ने और जानकारी दी है। बहुत दिनों तो जी सा निगाह सी गौ तस्करी जी है ये हो रही है यूपी के गऊं भर ले आई है जा रही जा पता नहीं कितने लैके जा रही है, मतलब ये लोग जोड़े है उधरों सब्जी वगैरह लैके आते इधरों गऊं जीडिया लद के लैके जाते इन्हों के जोड़े संबंध से जोड़े इतों के लोगों जोड़े गौ तस्कर जी बेसारा गऊं सड़कों पर फिर वो बन के रखते भुखिया प्यासिया भी रखते जो आते उन्होंने लैके जाते दो ट्रक दो कैंटर अभी फड़े एक दे विच 4 बंदे सी 12 गऊ वंश उहदे विच बरामद होए जिहड़े कि असी गऊशाला दे विच सपुरद करते हैं। एक कैंटर जिहड़ा वह भजा के लै गए जिहदे विच 3 बंदे जिहड़े नामजद होर होए है, पुलिस उन्हां दी जिहड़ी है वह भाल कर रही है। ये जी संदीप कुमार पुत्र रविंद्र नाथ जी जो वासी फरीदनगर गली नंबर 3 रामपुरा फूल के रहने वाले है, जिन्होंने एक केस रजिस्टर कराया। ये प्रधान भी है गौ रक्षा दल पंजाब वालों जिहड़ी है गऊआं की सेवा करदे आ, जो जख्मी गऊं होर बेसहारा उन्होंने की सामभ संभाल भी करते हैं। इन्होंने जी सदर कोटपुरा की पुलिस ने इतला दी थी कि एक कैंटर पिंड कहार वाले जिन्होंने इन्होंने गऊं लदिया हुई तो ये काफ़ी व्यक्ति जोड़े जुड़े हुए हैं तो ये की करते इतों गऊं लै जाते हैं तो वो गऊ वंश में जो ले जा के इन्हों का मास कट के जोड़े है उनकी सेल करते हैं। तो वो तहत जी कार्रवाई करते हैं जी 7 व्यक्तियों ने वर्खलाफ केस रजिस्टर किया तो ये 4 अरैसट किए हैं जी तो 3 जे अजे फरार है तो ये 2 व्यक्ति जोड़े है यूपी के रहने वाले है जी धारा 295 जो FIR नंबर 3 फरीदकोट तो संदीप सेठी की रिपोर्ट पंजाब टुडे।